वेलकम बैक माई डियर व्यूअर्स आफ्टर अ शॉर्ट पॉज इन माई सीरीज ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी। प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड मैनी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज एंड प्रोवाइडेड अ शॉर्ट कोर्स इन टू वीडियोज ऑन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज इन नटशेल। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरी को समझने जा रहे हैं जो है पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे हमने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में स्ट्रक्चरलिज्म को समझा था, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को भी समझा। अब जब तक स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं समझते तो हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही क्या आपको नहीं लगता कि पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मॉडर्निज्म क्या है? अब मॉडर्निज्म एक ऐसा दौर है जो 1900 to 1910 के दरमियान पैदा हुआ। पर ऐसा क्या हुआ था जिसने मॉडर्निज्म को पैदा किया? क्यों T.S. एलियट, W.B. Yeats, इज़रा पाउंड जैसे पोइट्स एब्सेंस ऑफ फेथ और फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे? अगर आप ड्यूरिंग एंड बिफोर 1910 यूरोप के ममालिक की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सही तरह समझेंगे तभी आप समझ सकोगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसने मॉडर्निज्म जैसे दौर को पैदा किया। अब मॉडर्निज्म को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वर्ड मॉडर्न और मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है। ये दो वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं पर ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। आप वर्ड मॉडर्न को हिस्टोरिकल सेंस से डिफाइन करोगे। अब मॉडर्न क्या है? मॉडर्न मतलब आप अब प्रीवियस वैल्यूज़ और नोशंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम हर एज को मॉडर्न एज कहते हैं। मोस्ट ऑफ़ योर ओल्ड रिलेटिव्स माइट हैव कॉल्ड यू मॉडर्न जनरेशन। क्यों? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन की वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते। इस तरह मुमकिन है कि आपने ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को सेम बात बोलते हो, जिसका मतलब हुआ कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से ड्रिफ्ट करती है। और ये ड्रिफ्ट ही बेसिकली मॉडर्न है। अगर आप लैंग्वेज को देखें लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से तो आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में भी डिफरेंट पीरियड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1400 से शुरू हुआ, जिसके बायस हम कहते हैं कि चौसर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बिकॉज ही वाज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। पर मॉडर्निज्म एज अ मूवमेंट 1910 में शुरू हुआ। ये मॉडर्न टर्म से डिफरेंट है। मॉडर्निज्म 1910 के दौरान शुरू हुआ था, चौसर के टाइम पे नहीं। चौसर को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि चौसर ने जो लैंग्वेज लिखी थी दैट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द मिडाइवल इंग्लिश। तो लफ्ज़ मॉडर्न जो है उसकी एक हिस्टोरिक मीनिंग है कि हर जनरेशन अपने कंटेम्प्रेरी जनरेशन या पीरियड को मॉडर्न कहती आई है। पर मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक लिटरेरी पीरियड जो 1910 के करीब शुरू हुआ। ये मॉडर्निज्म ही था जिसके दौरान T.S. एलियट ने वेस्टलैंड लिखी, वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस और जेम्स जॉयस ने यूलाइसिस लिखा। अब इन सब राइटर्स ने एक लिटरेरी ट्रेंड सेट किया था और मॉडर्निज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट के प्रिंसिपल्स सेट किए, जिसके बायस एक लिटरेरी मूवमेंट का आगाज हुआ जिसे हम मॉडर्निज्म कहते हैं। मॉडर्निज्म के बाद एक और लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हुई जो एक लिटरेरी थ्योरी भी है, जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई, मतलब 1945 के बाद। मॉडर्निज्म एज अ मूवमेंट तब स्टार्ट हुई जब यूरोप के लोगों को अनॉनिमसली ये फील हुआ कि उनके पास अब कोई भी फेथ नहीं। एक इंसान होने के नाते हम हमेशा किसी चीज़ पर रिलाय करना चाहते हैं, किसी फेथ पे, किसी बिलीफ पे, इन ऑर्डर टू गेट सम स्ट्रेंथ। और इसी तरह लोगों के पास रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड में कुछ आइडियल्स थे, कुछ पिलर्स ऑफ फेथ थे जिन पे उनका एतमाद था। पर ग्रेजुअली यूरोपियंस को ये महसूस हुआ कि जिस चीज़ पर हमारा ईमान था वो अब टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, जिन पे वो रिलाय कर सकते थे।
इसी बायस इनको महसूस हुआ कि पूरी दुनिया फ्रेगमेंटेड है और बेटरमेंट के कोई चांसेस नहीं। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोम डोवर बीच में इस बात को बड़े शानदार अंदाज से पेश किया गया है। वो लिखता है कि द सी ऑफ फेथ हैज़ ड्राइड आउट। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से पिलर्स ऑफ फेथ थे जिस पे लोगों का इतना एतमाद था कि टूटने के बाद सब कुछ फ्रेगमेंटेड होने लगा। पहला इम्पोर्टेंट फेथ था द पावर ऑफ गॉड। हमें पता है कि रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड के दौरान लोग पावर ऑफ गॉड में यकीन रखते थे, पर फिर क्या हुआ कि उनका फेथ टूटने लगा। देयर केम अ ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिसने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें लिखा था कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड इन द इवेल्यूएशन ऑफ स्पीशी लाइक ह्यूमन बींग। हम सब एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा हुए हैं और नेचुरल मैकेनिज्म से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है, और इस पूरे एवोल्यूशन के पीछे जो साइंस थी वो चार्ल्स डार्विन ने बयान की। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर पीपल्स बिलीव इन गॉड वाज शेकन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फिलोसोफर था फ्रेडरिक नीत्शे, जिसने विक्टोरियन पीरियड के दौरान जब उसने रैम्पेंट मटेरियलिज्म देखा तो उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि गॉड इज़ डेड। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पहला इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ फेथ दैट वाज द पावर ऑफ गॉड वो अब टूटना शुरू हुआ। यूरोप की हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यूरोपियंस ने किंग को नेक्स्ट टू गॉड ही ट्रीट किया और समझा है शुरू से। एरिस्टोटल से लेकर डिफरेंट थिंकर्स के पास भी आपको ये बात मिलेगी कि गॉड हैज़ अपॉइंटेड किंग टू रूल ऑन हिज बिहाफ, और किंग इस तरह एक अथॉरिटी है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी दौरान एक और इम्पोर्टेंट थिंकर कार्ल मार्क्स भी था, जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। उनका ख्याल था कि किंग और सोशल क्लासेस की जो हायरार्की है इसमें निचले तबके पिसते हैं, इसलिए इस हायरार्की का ख़त्म होना लाजम है। ये किंग और एरिस्टोक्रेट्स या एलीट क्लास ही है जो कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट करते हैं, और यही लोअर क्लास की सफरिंग का सबब है। और कहा कि प्रॉपर्टी पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए। और इससे पहले एक बोर्जुआजी क्लास भी यूरोप में पैदा हुई थी जिन्होंने किंग के खिलाफ रिवोल्ट किए थे। तो लोगों का किंग से ईमान भी ख़त्म होने लगा और वो समझने लगे कि हमारी मिजरी का सबब ये किंग सी हैं। अब आप देखें कि जब फेथ इन गॉड एंड किंग ख़त्म होता है तो आखिर में क्या बचता है। दैट्स ऑफ कोर्स एन इंडिविजुअल फेथ इन आवर ओन माइंड ऑन आवर ओन पोटेंशियल। अब फिर एक और थिंकर आता है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड, जिसने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। फ्राइड ने कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पर आर्ग्यू किया और बताया कि कॉन्शियसनेस एक आइसबर्ग की तरह होती है, जहां पे हम सिर्फ 10% देख सकते हैं जो कि कॉन्शियस लेवल है। इनके अलावा काफ़ी परसेंटेज सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में फंक्शन होते रहते हैं जो हम नहीं देख पाते। हमारा कंट्रोल सिर्फ 10% पर है, जबकि 90% कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता। नाउ फेथ ऑन आवर ओन कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो लॉस्ट हियर व्हेन वी केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस। वी हैव लॉस्ट गॉड, लॉस्ट किंग एंड लॉस्ट आवर कॉन्शियसनेस, बट वी हैड वन मोर थिंग दैट वॉज डेमोक्रेसी, बट देन केम वर्ल्ड वॉर वन एंड 1914 दैट लास्टेड टू 1918। एक ऐसी जंग जो इंसान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, मिलियंस में सोल्जर्स और आम लोग मारे गए, बहुत ही ग्रेव सिचुएशन पैदा हुई। अब लोग डेमोक्रेसी पर भी सवाल करने लगे, क्योंकि ये लिबरल डेमोक्रेसी ही थी जिन्होंने लोगों को बताया था कि यू आर फ्री, यू आर लिबरेटेड, यू हैव पावर टू स्पीक। पर फिर ये डेमोक्रेसी ही थी जिसका रिजल्ट वाइड स्प्रेड ब्लडशेड निकला। तो लोगों का डेमोक्रेसी में जो फेथ था वो भी अब ख़त्म हो गया। फाइनली एक टाइम था जिसमें साइंस और साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, पर जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में मॉडर्न वेपन्स इस्तेमाल होना शुरू हुई तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये साइंस क्या कुछ कर सकती है।
एक पल में पूरी दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। जब उन्होंने एटम बॉम्ब को का एक्सपीरियंस किया तो उनका फेथ साइंस से भी ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों ने पहली मर्तबा साइंस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखा। तो अगर आप इन पिलर्स ऑफ फेथ को देखें जिन पर माजी में इंसान का यकीन था, वो अब एक एक होकर टूटने लगा, तो लोगों के पास मायूसी और फ्रेगमेंटेड दुनिया बची जो यूरोप में मॉडर्निज्म की बायस बनी। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिस पर ह्यूमन बीइंग रिलाय कर सके, तो ये था मॉडर्निज्म। अब ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन आपको ये समझने में मदद करेंगी कि T.S. एलियट, वर्जीनिया वूल्फ, जेम्स जॉयस जैसे राइटर्स लिख रहे थे तो क्यों ऐसा लिख रहे थे। When you don't have anything to rely upon, you feel you are hanging up somewhere without any reason. अब इस पूरी सूरत हाल और हकीकत के बावजूद के पिलर्स ऑफ फेथ अब ख़त्म हो चुके हैं, पर 1920 से 1930s के दरमियान कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि सल्यूशन पॉसिबल है, और उन राइटर्स की राइटिंग्स में हमें सर्च ऑफ दैट सॉल्यूशन नज़र आती है एज अ थीम ऑफ देयर लिटरेरी वर्क। पर सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रही थी। अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड को देखें तो उसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन नज़र आता है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनीज छोड़ रहे थे तो उनका पावर रिड्यूस हो रहा था, और यूरोपियन कंट्रीज एक मल्टी एथनिक कंट्रीज बन गए थे जहां पे इनकी कॉलोनीज के लोग रह रहे थे। अब मल्टी एथनिसिटी एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुई यूरोपियन सोसाइटी में। अब आप अगर पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड पर देखें तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स ने सॉल्यूशन पर बात करना छोड़ दी, दे स्टार्टेड प्रॉब्लमेटाइजिंग द प्रॉब्लम्स। आप अगर हरोल्ड पिंटर और सैमुअल बकेट के वर्क्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, देयर इज़ नो क्वेस्ट फॉर सॉल्यूशन। तो मॉडर्निज्म में लोगों को लगता था कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर पोस्ट मॉडर्निज्म में लोगों को का ये फेथ डेवलप हुआ कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन। अगर आप पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स लाइक जेन बाल्डियर को देखें तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हाइपर रियलिटी का। अब ये हाइपर रियलिटी क्या है? हाइपर रियलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मॉडर्निज्म से पहले पीपल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड हार्डवेयर, बाद में कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आई, अब इन कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में हमारे पास क्या है, वी हैव सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स। अब ये एप्स और सॉफ्टवेयर्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, पर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं। हमारे पास मिकी माउस है, मिनियन है एज अ कार्टून, पर क्या ये मिनियन या मिकी माउस रियल में एग्जिस्ट करते हैं? तो जब भी हमें उस चीज़ की कॉपी मिलती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बादलियर हाइपर रियल कहता है। हार्डवेयर एक रियलिटी है, इट इज़ इंटेंजिबल, पर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर होता है बट इट इज़ नॉट इन फिजिकल ऑब्जेक्ट, थस इट इज़ हाइपर रियल। ही ऑल्सो बिलीव दैट फर्स्ट गल्फ वॉर डिड नॉट एग्जिस्ट बट इट वॉज हाइपर रियल। तो इनके मुताबिक जो चीज़ भी हम मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो वगैरह पर देखते या सुनते हैं वो हाइपर रियलिटी है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेल अस व्हाट वाज रियल बट वी डोंट नो वेदर इट वाज रियल और नॉट। हम डिज्नी मूवीज़ देखते हैं, पर क्या डिज्नी रियल में एग्जिस्ट करता है? सो दैट्स व्हाट जेन बाल्डियर कॉल्ड हाइपर रियलिटी। तो हम देखते हैं कि जब फेथ्स ख़त्म हो रहे थे तो वी कॉल दैट मॉडर्निज्म, पर जब सिचुएशन वर्स्ट होती गई तो वी केम इन पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में हम फिर सॉल्यूशन पर बात करते थे, पर पोस्ट मॉडर्निज्म में हम प्रॉब्लम्स को मज़ीद प्रॉब्लमेटाइज करते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें वो सॉल्यूशन पर बात ही नहीं करता पर प्रॉब्लम्स पर ही बात करता है। एंड बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सेड टू बी द रिबेलियन इटसेल्फ। कंट्राडिक्शंस को एम्ब्रेस किया जाता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी में। आप देखें कि मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिसिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं
जिनकी थियोरीज पर मैंने अपनी एक वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस किया है, जो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। इनके ख्यालात को डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत है, और ऐसी और भी लिटरेरी थियोरीज को मैं डिस्कस करता रहूँगा। एंड फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन। That's all for today. See you in the next video.